हमने 9.4 के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो मुझे बता दो, किसी ने कोई क्वेश्चंस रह गया है तो मुझे बता दो। मेरे हिसाब से 10 तक क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, है ना। अब चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन के पास। एक्सरसाइज है 9.4, क्वेश्चन नंबर है 11वां। एनसीईआरटी निकाल लीजिए और उसमें 11वां क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन में कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइजेस 11 to 14, यानी कि 11 से 14 तक के क्वेश्चंस जो है, कहता है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ब्रैकेट ऑफ इंटू में dy ओवर dx, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। ओके, नाउ y इज इक्वल टू वन, वन है भाई, जीरो नहीं है, वन, एंड x इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। करना क्या है, सिंपल, y की वैल्यू निकालनी है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखते जाओ, अगर आपको अच्छे से सीखना है, ये कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आपको आता है या नहीं आता है आप फिक्र ना करें, बस मेरे साथ साथ लिखते जाए, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे लिखते जाएं, और जो डाउट्स आए बीच में आप मुझसे तुरंत उसी समय पूछ लीजिए अपना माइक ऑन करके, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो पहले, इसे पहले डिवाइड में ले जाना है, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस एक्स अपॉन में x³ प्लस x² प्लस एक्स प्लस वन। उसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए मेरे पास अगला जो रास्ता है वो ये है कि जो ये dx है इसको मैं राइट साइड में इधर ले जाऊंगा, ये इधर है ना, मल्टी मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, dx जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा dy इज इक्वल टू 2x² प्लस x अपॉन में x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इनटू dx, इनटू dx। अब अगला स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। आपको पता होना चाहिए ये dy लिखा है, dy लिखा है मतलब इसके आगे एक पहले से ही है, एक dy लिखा हुआ है ये, है ना, तो एक पहले से ही है, आपको दिखे या ना दिखे आपको एक हमेशा समझ लेना है वहां एक dy लिखा है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक का, वो भी y के रेस्पेक्ट में, तो y आ जाएगा, जैसे x का x के रेस्पेक्ट में x आता है, ऐसे y का y के रेस्पेक्ट में y आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये नीचे संख्या जो दे रखी है आप देखो, अगर इसे पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ऊपर वाली संख्या नहीं हट रही है। दूसरी चीज है, अब नीचे कुछ पैटर्न टाइप का आपको दिखना चाहिए, वो पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। देखिए ये है वो पैटर्न कि यहां पर x² कॉमन है, यहां पर एक कॉमन है, तो नीचे आ जाएगा आपके पास, ऊपर तो 2x² प्लस x है, बिल्कुल ठीक है, नीचे से x² कॉमन ले लीजिए बचेगा x प्लस 1, और प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए बचेगा x प्लस 1। ओके, मैं इसको यहां लिख देता हूं आगे का स्टेप, ये है आपके पास y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस x डिवाइड बाय, आप गौर से देखोगे तो क्या कॉमन लेने वाला हूं मैं, x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों पे कॉमन है, अब बाहर ले लीजिए x प्लस 1, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा x² प्लस 1। नाउ ये क्वेश्चन अब हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का, तो आप लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, पार्शियल फ्रैक्शन इसको फ्रैक्ट करने सिखाएगा। कैसे सिखाएगा, मैं यहां नीचे से लिखना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, नीचे से लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 एंड देन ब्रैकेट ऑफ x² प्लस 1। ओके, और पार्शियल फ्रैक्शन रिकॉल करिए, मैंने कहा है इंटीग्रेशन बाद फिर से रिकॉल हो जाएगी, फिर से याद आ जाएगी आपको। पहले आपको क्या दे रखा है, लीनियर दे रखा है, तो लिखिए a अपॉन में x प्लस 1 प्लस, फिर आपको क्या दे रखा है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, bx प्लस c अपॉन में x² प्लस 1। ओके, यहां तक का स्टेप समझ में आ गया होगा, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो एलसीएम लिया जाता है 2x² प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 एंड देन x² प्लस 1, यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एंड देन x² प्लस 1। आप देखोगे नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे नीचे वाले से, इस नीचे वाले को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या,
इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके प्लस। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है कैलकुलेशन तो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ भी नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को यहाँ लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड देन इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, है ना। ये सारी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, तो बचेगा क्या, ये बचेगा बी एक्स प्लस सी एंड देन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वन, ओके ये आपके सामने बचता है। 2 मिनट ये कट जाएंगे जी, और आप यहां से इसे भी हटा दीजिए, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा ना, साफ कर दिया मैंने थोड़ा सा। अब अगला स्टेप क्या कहता है आपसे, अगले स्टेप में डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे और जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, आपके सामने है a ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c और x प्लस 1। चलो ये स्टेप भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया। अब आपको a b और c की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आप पहले पुट करिए x इज इक्वल टू माइनस 1, आप चेक करिए यहां पर माइनस 1 रखेंगे तो कितना आएगा, हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कॉफिशियंट वी गेट, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो कंपेयर करने के लिए हमने एक्स की वैल्यू माइनस वन रखी है। अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस वन यहां और यहां रखता हूं, पहले मैं यहां रखता हूं तो वन माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, वन मल्टीप्लाई बाई टू टू हो जाएगा, ये लिख दिया टू। फिर उसके बाद यहां रखता हूं मैं माइनस का वन तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां रखता हूं माइनस वन तो वन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस वन टू हो जाएगा, तो ये ए के साथ टू आ जाएगा। यहां पर अगर मैं माइनस वन रखता हूं एक्स की जगह पर तो ये जीरो हो जाएगा, तो पूरी संख्या जीरो हो जाएगी, उसे लिखने की जरूरत नहीं। घटाएंगे तो वन आएगा, अपॉन में लेके जाएंगे तो टू आएगा, तो ए की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। ये रफ में करने का काम है जो आपको बड़ी ईमानदारी से करना है, है ना, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना, कोई दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि एग्जाम से बोर्ड का होगा तो आप कहीं ना कहीं दिमाग में की जाने वाली कैलकुलेशन में गलती कर बैठोगे, तो आप कोशिश करना कि आप कॉपी पर लिख कर उस कैलकुलेशन को अच्छे से कर पाए, है ना, दिमाग में नहीं करना। अब चलो मैंने क्या रखा, वन रखा तो ये जीरो हो गया, पूरा का पूरा ए निकल गया। अब कोई दूसरी संख्या आपके पास नहीं है जिससे कि कोई संख्या जीरो बन जाए, यानी कि इस ए को जीरो बनाने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी को बताता है, और पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता, याद रखना। तो इसका मतलब ये जीरो नहीं हो सकता। तो आपने क्या रखा था, पहली बार में x इज इक्वल टू माइनस वन रखा था, अब की बार क्या रखोगे, x की वैल्यू जीरो रख लो, या फिर आप x की वैल्यू कुछ और रख लो, फिलहाल मैं जीरो रखने वाला हूँ। तो लेफ्ट साइड में जब मैं यहाँ जीरो रखने वाला हूँ तो जीरो ही आएगा, चेक कर सकते हो, यहाँ x की जगह जीरो, यहाँ पर भी x की जगह जीरो। राइट साइड में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास a इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस वन, प्लस यहाँ पर रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, c बचेगा सिर्फ b इंटू जीरो प्लस सी, तो सिर्फ सी बचेगा, यहां पर रखूंगा तो जीरो प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपके पास जीरो इज इक्वल टू, आप देखोगे इसकी वैल्यू वन होती है, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन वन होता है, ए इंटू वन यानी ए आएगा प्लस, ऐसे बी के साथ जीरो तो हटा ही दो, सी बचा और यहाँ वन बचा तो प्लस सी, ए की वैल्यू हमारी इधर आ जाएगी लेफ्ट में तो माइनस का ए इज इक्वल टू सी, और ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, वो दे रखी है वन बाई टू, तो बी की सी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू, ठीक है। दो वैल्यूज हमें बड़ी आसानी से मिल गई, एक हमने x की वैल्यू माइनस वन रखी, एक हमने x की वैल्यू जीरो रखी, ठीक है ना। अब हम रखते हैं आगे वैल्यू, x की वैल्यू रख लेते हैं हम वन, पॉजिटिव का रख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या रखोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हो, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। आप वैल्यू रखेंगे एक एक करके, पहले में रखेंगे तो आ जाएगा आपके पास थ्री, दूसरे में रखेंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर टू, और तीसरे में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा बी प्लस सी और टू। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पूछ सकते हैं। अब उसके बाद आपको यहां पर देखेंगे आप गौर से, तो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस का 2b प्लस का 2c, हमें निकालनी है b की वैल्यू, तो a और c को लेफ्ट पे लेके आ जाएंगे, 3 माइनस का 2a माइनस का सॉरी हमें निकालनी है b की ना 2c इज इक्वल टू 2b। तो अब a की वैल्यू और c की वैल्यू हमारे पास है, ये रही a की वैल्यू, ये रही c की वैल्यू, जल्दी से आप भी मेरे साथ साथ रखते जाइए। a की वैल्यू 1 बाई टू है एंड c की वैल्यू माइनस 1 बाई टू है इज इक्वल टू 2b। अब गौर से देखेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2b, और ये कैंसिल हो गया तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू आ गई 3 बाई टू। मेरे को तीन अलग अलग वैल्यूज मिल चुकी हैं, मैं कर लिखूंगा पुट
इन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी कौन सी है पहले वो भी देख लेते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनती है ना, यहां से यहां तक पूरी फर्स्ट इक्वेशन है। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, इसमें ए और बी की वैल्यू रखेंगे। पहले हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है, ये रही, हम लिखेंगे वन बाई टू अपॉन में एक्स प्लस वन, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी था याद करो, तो बी की वैल्यू है तीन बटे दो, तो तीन बटे दो एक्स प्लस सी की वैल्यू की जगह माइनस वन बाई टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहां करना है लेफ्ट में, तो आपको राइट में भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, यहां पर भी और यहां पर भी। तो फाइनली ये वैल्यू जो आएगी, ये आपके सामने जो वैल्यू है, ये वाई बराबर है, y की वैल्यू के बराबर है ये वैल्यू। तो आप क्या लिखेंगे इसे जब सॉल्व करेंगे, तो 1 बाई टू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इस वाली संख्या का लॉग से इंटीग्रेशन होता है, ये हो गया इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाइए, ये जो संख्या है 3 बाई टू में 3 बाई टू बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का निशान लगाइए और x लिखिए और अपॉन लिखिए और एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखिए। मैंने क्या किया, सेपरेट करने की कोशिश करी, इसको इसके अपॉन में लिख दिया, इसको इसके अपॉन में लिख दिया, ये मैंने सेपरेट कर दिया है, ये मैंने सेपरेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए प्लस और माइनस क्या दे रखा है इसमें, प्लस और माइनस दे रखा है, तो प्लस और माइनस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, और वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वन बाई टू जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, ऊपर वन बचा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। किसी को ये समझ में नहीं आया स्टेप तो मुझे अभी बताइए, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं इसे एक स्टेप और एक्सप्लेन कर दूंगा। सेपरेट करने का एरो मैंने लगा दिया है, आप इसे सेपरेट करके खुद से भी देख सकते हो। मैंने सेपरेट भी करा, प्लस ये जो कांस्टेंट है बाहर भी ले आया, ये कांस्टेंट है ये बाहर भी आ गया, बीच में माइनस का निशान। यहां पर आप गौर से देखोगे तो एक ये बीच वाली जो संख्या है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा डायरेक्ट, इसे पुट करके करना पड़ेगा। तो इसे आई वन मान लो, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स होता है। चलो हम देखते हैं एक स्टेप और आगे बढ़ के, 1 बाई टू लॉग, दो मिनट रुकिए अभी बताता हूं मैं आपको। हेलो, ओके तुमने सुन लिया, ओके नाउ एक्स प्लस वन प्लस, अभी क्या करना है इसे आई वन मान लेते हैं, 3 बाई टू आई वन माइनस वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके नाउ आई वन की वैल्यू आपके सामने, ये आई वन की वैल्यू आपके सामने ये है, इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो आई वन इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में डी एक्स। ओके नाउ अभी क्या करना है, पुट करना है, पुट क्या करना है, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और dt टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x एक्स प्लस जीरो, देन डी टी अपॉन में टू इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। करना क्या है देखिए, करना यह है कि इस वाली संख्या की जगह पर मैं लिख सकता हूँ dt और इस वाली संख्या की जगह पर हो जाएगा t, यानी कि ये हो गया हमारे पास सब्सटीट्यूशन मैथड। ये लिख लेता हूँ, आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टू ऊपर रहेगा, अपॉन में t नीचे रहेगा ना। अभी आप वन बाई टू तो बाहर ले जाइए, उसके बाद वन अपॉन टी इंटू डी टी, 1 upon t into dt, तो 1 by 2 log t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, log t plus c, then उसके बाद c1 भी लिख सकते हैं आप, 1 by 2, then ये हो जाएगा log t की जगह पर आप वैल्यू लिख सकते हैं x square plus 1 plus c1, this is i1, okay, ये आपके सामने i1 आ गया है, c1 की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, c1 को हम ऊपर लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा y is equal to, यहाँ लिखता हूँ मैं, y is equal to 1 by 2, then क्या लिखा है log, then उसके बाद x plus 1, ये है x plus 1, then उसके बाद लिखा है 3 by 2 plus का 3 by 2, then i1 की वैल्यू ये है पूरी की पूरी, into में आप लिख सकते हैं 1 by 2 log, फिर उसके बाद ऐसे मोड का निशान x square plus 1, then उसके बाद प्लस c1 भी लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपको, फिर दे रखा है यहाँ पर वैल्यू ये है ना, माइनस का 1 बाई टू देन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहां से आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए, 1 बाई टू लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस वन
प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी तो इसमें भी होगी और सी वन में भी होगी ना, प्लस का निशान है, तो हो जाएगा 3/4 लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का 3/2, फिर उसके बाद सी वन माइनस का 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया जब पिछली क्लास हुई थी हमारी कि ये कांस्टेंट कितने भी हो आपको एक ही कांस्टेंट लिखना, याद रखना कि कांस्टेंट कितने भी दे रखे हो इंटीग्रेशन करते वक्त आपको उसका एक ही जो है लिखना है और उसको इंडिकेट भी एक ही तरीके से करना है, जैसे कि यहां पर है आपके पास सी, तो ये दोनों को मैंने मिक्स करके एक सी बना दिया और ये रहा वो सी। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल स्टेप हो गया। अब हमें इससे आगे बढ़ना है, यहां तक तो इंटीग्रेशन का पैटर्न था, अब इससे आगे बढ़ना है। आगे क्या करना है, देखो इसने आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में और वो दे रखी है 0, एंड वाई की वैल्यू दे रखी है आपको और वो दे रखी है 1। एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 1, आपको क्या करना है, वाई की जगह पर वैल्यू रखनी है 1 इज इक्वल टू 1/2 लॉग मोड ऑफ एक्स की जगह 0 वाई की जगह 1 प्लस का 3/4 लॉग मोड ऑफ एक्स की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 1 देन माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स की जगह 0 देन प्लस सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप के पास चलते हैं। 1/2 आप इसे देखेंगे तो ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको, लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, प्लस 3/4 लॉग, ये भी 1 ही बना तो लॉग 1 की वैल्यू भी 0 होती है, माइनस 1/2 टेन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है। सब चीजें बहुत क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया पूरा 0, ये भी हो गया पूरा 0, ये भी हो गया पूरा 0। ओके, बराबर का निशान है ये, प्लस का सी, तो फाइनली ये 0 हो गए हैं, तो सी की वैल्यू फाइनली 1 आ चुकी है, देख सकते हैं। आप इसे पुट करेंगे इन द सेकेंड, सेकेंड बना देता हूं, इसका नाम सेकेंड रख देता हूं, जो हमारा फाइनल आंसर आया था वो सेकेंड बन जाएगा ये। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहां पर आपको सी की जगह पर वैल्यू 1 लिख देनी है एंड बस आंसर आ जाएगा, सही ना। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि आपसे कहता है वाई की वैल्यू निकालो और ये आपने एक्स प्लस वन प्लस का 3/4 लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, ये सी की जगह पर 1 रिप्लेस हो गया। अब देखो ये आपका फाइनल आंसर है, आप स्टूडेंट ज्यादातर इसमें कंफ्यूज होंगे कि हम फाइनल आंसर कहाँ पे दें, तो मैंने आपको बताया ये आपका फाइनल आंसर है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको पीछे से आंसर्स मैच करने हैं तो यहां पर आपको मैच होता हुआ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं मैच कैसे होगा पीछे से आंसर। देखो एनसीईआरटी से मैच कराने के लिए करा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको यहां फाइनल देके छोड़ देना है, हालांकि ये आगे हो सकता है, क्यों हो सकता है आगे रीजन बताता हूं। जब भी आपको दो या दो से ज्यादा बार लॉग दिख रहा हो उसकी प्रॉपर्टीज उसे एक बना देती है, लेकिन ऐसा जब ही करें जबकि वो सिंपल फॉर्म में हो, ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, इसे बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर 4/ में लिखा है, यहां पर 2/ में लिखा है, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने में, ठीक है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर ये बन जाएगा 4, और ये तो है ही 4, आप इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए। देखो ये हमें बनाना पड़ रहा है ना, मैंने कहा ना बनाना पड़े तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। ये जो 2 है इसे आप पावर में ले जाइए, ये 3 जो है इसे आप पावर में ले जाइए, और ये प्रॉपर्टी आपको लॉग की जरूर पता होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन, अब मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, देखो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का ब्रैकेट बना देता हूँ और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। आप चाहो तो एब्सोल्यूट वैल्यू में भी लिख सकते हो, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता इस बात पे कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, है ना। फाइनल जो आउटपुट होगा वहां पर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ही लगाना, प्लस 3 ऊपर लेके गया तो लॉग ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, मैंने 1/4 कॉमन ले लिया। तो खुशी आपको समझ में आ रहा है बेटा, आपका जो आंसर मैच नहीं कर रहा था, अगर आपने यहां तक ठीक किया है तो आपका आंसर मैच करता हुआ आप दिख रहा होगा। यहां तक किया था बेटा आपने ठीक, बस आपने बस पूरा कर लिया, इसका मतलब जो मैंने बोला है आपको फाइनल है, यानी कि ये स्टेप तक, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये जो मॉडिफाई कर रहा हूं ना मैं, ये वाला हिस्सा, आप एज ए स्टूडेंट तो कोई भी पेपर आपको ये नहीं कहता कि पहले मॉडिफाई करो फिर चेक करो, लेकिन एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है, वो मैं आप सभी को बता देता हूं कि
कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, वाई निकालने के लिए कर रहे हैं। हमारा वाई का फाइनल आउटपुट आ चुका है, लेकिन एक और चीज है ध्यान रखना, मैथ्स में एक और चीज होती है जो एडवांस स्केल पर बच्चों को जरूर बताई जाती है। आप ऑफ कोर्स अपनी स्कूल की सबसे बड़ी क्लास में हो, जैसे कि मैंने कहा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते 2+ का 3 लिखा हुआ है, आप क्या इसका आंसर यहाँ छोड़ सकते हो? आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं छोड़ सकते इसे यहाँ पर आंसर, क्योंकि सर ये जो 2 है ये न्यूमेरिक है, ये 3 है ये भी न्यूमेरिक है, दोनों को ऐड किया जा सकता है, तो हम ऐड करके 5 पे आंसर छोड़ेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। सेम यही प्रोसेस बड़ी क्लासेस में चलता है, ये भी लॉग है ये भी लॉग है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, लॉग या लॉग, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, ऐसी कोई चीज हो जिसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, कोई रूल है ऐसा तो जरूर लगा लेना। अगर नहीं सॉल्व किया जा सकता है, आपको रूल है लेकिन आपको याद नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना, आपको यहां तक पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। अब ये मॉडिफाई करके मैं आगे बढ़ा रहा हूं और अब आपको आंसर आता हुआ बिल्कुल दिखेगा, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा मोड, और फिर उसके बाद ये संख्या मल्टीप्लाई बाय ये संख्या, तो यही आ रहा होगा आंसर पीछे, शायद 2 था ये, +1 का होल क्यूब, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप इसे टेन इनवर्स एक्स प्लस का 1, दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्या समझा आपने? आपने समझा कि एक क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशिएशन दे रखा था, आपको वाई निकालना है, क्योंकि सी के केस में आपको ध्यान से समझना है, 2 इसमें पार्ट है, इस पूरे चैप्टर में ही हर एक्सरसाइज में 2 पार्ट है, एक जिसमें सी नहीं निकालने के लिए पूछा गया, एक जिसमें सी की वैल्यू भी पूछी गई है, याद रखना है ना। ये 11वां क्वेश्चन था और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास, अगले क्वेश्चन कठिन नहीं है, जैसे कि 12 क्वेश्चन आपको दे रखा है, 12 क्वेश्चन में दे रखा है एक्स ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, उसके बाद दे रखा है dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। ओके, यहां पर आपको वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू 0 व्हेन व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। करना क्या है आपको? सिंपल सा काम करना है, सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो मैंने आपको जो रूल बताया, देखो वो आप प्लीज ब्रेक नहीं करोगे, जैसे मैंने रूल बताया कि इंटीग्रेशन के अपॉन में कभी रेस्पेक्ट नहीं हो सकती, मतलब ऊपर फंक्शन और नीचे रेस्पेक्ट नहीं हो सकती, तो नीचे जो डीएक्स है पहले तो इसे ऊपर ले जाओ, है ना। कुछ भी चीज बदलने से पहले आपको याद रखना है रेस्पेक्ट तो मल्टीप्लाई में ही होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास इनटू में डीवाई इज इक्वल टू डीएक्स, इतना काम तो समझ में आ गया। अब मुझे वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट मतलब एक्स को अपनी एक जगह ले जाना है और वाई को अपनी दूसरी जगह, तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ ये दोनों संख्या मल्टीप्लाई में है, इसके मल्टीप्लाई में याद रखना, अगर ये प्लस का निशान होता तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हम मैथ्स के नियम को ब्रेक नहीं करेंगे, मैं बार बार रिपीट करूंगा इस बात को कि हम मैथ्स के नियम को ब्रेक नहीं करेंगे, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो ये उधर जाके माइनस होगा और फिर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा उसके लिए अलग टाइप अलग नियम अलग क्लास बनाई गई है, तुम्हारी क्लास नहीं है वो, तो आप क्वेश्चंस क्रिएट मत करिएगा, ठीक है ना। आपको जो क्वेश्चंस मिला है उस पर सोचिएगा कैसे हो सकता है। तो फिलहाल आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई में मिला है तो बराबर के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देन लेफ्ट में वाई ही रहेगा, राइट में डीएक्स ओवर में एक्स ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 रहेगा। ओके, अब यहां पर हम इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा वाई हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई हम, क्या तरीका है? यहां से हम कॉमन ले लेंगे एक्स का स्क्वायर, हालांकि आप पार्शियल से भी कर सकते हो, मैं एक्स का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मेरे को तो छोटा बनाने की कोशिश करनी है। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, जब पहले वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 बचा, दूसरे वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/x² बचा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाता है हमारे पास एक्स का क्यूब, y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स का क्यूब इंटू में 1 -1/x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो मुझे बताइए। कॉमन लिया है, सिंपली एक टाइप थी, हमने अगर इंटीग्रेशन समझा है तो एक टाइप थी, उसमें कॉमन लेना होता था। ऐसा कर क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है और आपको ये पता करना है कि टी पुट करा जाएगा 1 -1/x² को और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशियल 1 का 0 माइनस का 1/x² का डिफरेंशियल -2/x³ होता है। जिसको नहीं याद है अभी भी वो याद कर ले, रूल मैं लिख देता हूं, डेरिवेटिव होता है 1/x^n का माइनस का, यहां लिख देता हूं नीचे, माइनस का n/x^n+1, जो भी संख्या नीचे होगी ऊपर पहले लिखी जाएगी, नेगेटिव करके लिखी जाएगी, नीचे जोड़ी जाएगी, तो नीचे 2 लिखा हुआ था, ऊपर -2 लिखा, नीचे जोड़ दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो dt/2 इज इक्वल टू 1/x³ इंटू में dx। ओके, फाइनली ये वैल्यू रिप्लेस हो गई,
डी टी अपॉन टू से, और नीचे वाली संख्या क्या हो गई, टी बन गई। तो ये हमारे पास आया फाइनली y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में टू डिवाइड बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू वन बाई टू, तो बाहर कर दीजिए कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू हमारे पास है, हम रिप्लेस करेंगे, हम लिखेंगे लॉग ब्रैकेट ऑफ वन माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस का सी। यहां तक की वैल्यू हमने लिख दी है, अब हम चाहते हैं कि इसमें सी की वैल्यू निकाली जाए। तो उसके लिए हमें क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है एक तो y इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू टू, ये दो चीजें हमें गिवन है। हम दोनों वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पर, y की जगह पर लिखेंगे जीरो वन बाई टू लॉग ब्रैकेट ऑफ वन माइनस वन अपॉन x की जगह पर लिखेंगे दो, तो लिखेंगे टू का स्क्वायर प्लस का c। ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू वन बाय टू लॉग ब्रैकेट ऑफ वन अपॉन फोर आ जाने वाला है यहाँ पर, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, एलसीएम लेंगे तो थ्री बाय फोर आएगा प्लस का सी। आप इसे लेफ्ट में लेके चले जाएंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का वन बाई टू लॉग थ्री बाई फोर। ओके, यहां तक की बात समझ में आती है। तो इसे पुट करेंगे इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने का मतलब हो गया कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन छोड़ी कहाँ है, हमने यहाँ छोड़ी है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, जहां से हमने पुट किया था उससे पहले, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहां तक हम आंसर छोड़ते थे, अभी तक सी की फॉर्म में आंसर आता था, हम यही छोड़ते थे। अब सी की वैल्यू निकालने का काम भी मिल गया है हमें, तो अब हम सी की वैल्यू भी निकालेंगे, और सी की वैल्यू जब भी निकाली जा सकती है जब उसने क्वेश्चन में कुछ रिलेवेंट वैल्यूज दे रखी हो उससे रिलेटेड, है ना। ये हो जाएगा आपके पास, आप एलसीएम भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर देन प्लस सी की जगह पर वैल्यू माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस वन बाई टू, ये वाला सी है ना, ये वाला सी, इसकी वैल्यू ये रही तो उठा के मैं यहां रख रहा हूं, है ना। तो कितना हो जाएगा 1.2 log ब्रैकेट ऑफ 3 बाई 4, 1.2 तो मेरे को कॉमन दिख रहा है। अब देखो इसको यहां नहीं छोड़ सकते, अगर आपने इस क्वेश्चन को यहां छोड़ दिया तो आपके नंबर जो, अगर मान लो चार नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर वो आपका काट लेगा, पिछले वाले में पूरा नंबर देगा क्योंकि उसमें मॉडिफाई करके आगे बढ़ना है, और इसमें आपको नहीं देगा क्योंकि इसमें सीधा सीधा 1/2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा लॉग ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर देन माइनस का लॉग ब्रैकेट ऑफ थ्री बाई फोर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक, क्या होती है प्रॉपर्टी, ये होती है लॉग देन मोड, लिख पहले ब्रैकेट लिख लो, मोड फाइनल में लिख लेना, है ना। तो क्या होता है ए एम यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री बाई फोर, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आती प्रॉपर्टी तो पूछ लेना। अभी फिलहाल बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा वन बाई टू लॉग मोड ऑफ, ये चार ऊपर चला गया चार, ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तीन नीचे आएगा तीन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आया कि पार्वा क्वेश्चन आसान है, बस आपको इसे पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करना है। इस क्वेश्चन को हमें किससे करना था, कॉमन लेके करना था। हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन करो से करोगे तो भी आंसर तो आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये क्वेश्चन यहां तक लिखा है, लेकिन अगर आप इसे एनसीईआरटी में देखोगे तो कहां आंसर दे दिया उसने, यहां आंसर दे दिया, यहां अब देख लो ना, यहां पर आंसर दे दिया है लेकिन हमने इसे आगे किया। अब ये इसका अपना तरीका है एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व करके आंसर देने, क्योंकि ये भी कोई व्यक्ति कोई इंसान कोई टीचर ही सॉल्व कर रहे हैं ना, उनने अपना उस टाइम दिमाग लगाया, उसने उसने बता दिया ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। लेकिन आप देखते हो तो इसमें से साफ साफ 1/2 कॉमन आ रहा है, पिछले वाले का आंसर उसे देना चाहिए था वहीं पर ही जहां पर मैंने बोला है, लेकिन उसने नहीं दिया ये वाला जो पिछला वाला था, है ना, इसमें उसने यहां मॉडिफाई किया है यहां पर और उसे आगे तक लेके गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई सर्टेन पैटर्न कोई सर्टेन रूल नहीं है, और इसी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर जी इसके आंसर से नहीं आ रहे। आप किसी भी टीचर पे पढ़ रहे हो एज यूजुअल, जैसे मैं आपको अगर गाइड कर रहा हूं तो मेरी बात को बिल्कुल लॉजिकली मानना, है ना, एक्सेप्ट जब करना जब उसके अंदर लॉजिक है। लॉजिक बिल्कुल क्लियर मैंने बताया कि अगर कोई चीज आपको दिख रही है आगे हो सकती है, जैसे ये वाली क्वेश्चन मैंने यहां से देखा कि यहां से आगे हो सकता है यहां से, तो मैं यहां आंसर नहीं दे रहा, मैं एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसने यहां पर कॉमन आ सकता था तो कॉमन लेना है, ओके। और पिछले वाले में मॉडिफाई करके सॉल्व करना पड़ा तो क्यों मॉडिफाई करोगे, किसको पता, अगर कर सकते हो टाइम है आपके पास नॉलेज है आप कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते तो वही छोड़ दो, कोई आपके नंबर नहीं काट रहा है इसमें, ठीक है ना। फाइनली वाई की वैल्यू निकालनी थी वो आपने निकाल दी है, नेक्स्ट प्रूफ थोड़ी करना है कुछ। 13 क्वेश्चन के पास जा रहे हैं हम, 13 क्वेश्चन में, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, मैं फिर से बता देता हूँ या फिर चलो 13 में बताता हूँ।
एक चीज का क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं स्टूडेंट्स, आपने नहीं पूछा मेरे से। एक तो आप जब से ऑनलाइन बैठे हो ना, क्वेश्चन पूछना ही भूल गए हो। वो स्कूल्स के टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, उसके तरीके को अपना लिया आपने, मैंने भी अपना लिया। खैर, पहले तो मुझे भी नहीं लगता था ऐसा होगा, है ना, वन साइडेड बस पढ़ाते जाना है। हाँ, क्वेश्चन ये है जो बच्चे रेज करते हैं। पहली बात तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये आसान है, लेकिन आपको समझना होगा क्या करना है। यहाँ पर आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, याद रखना है। जंग बिल्कुल सिंपल सी है आपकी, कि आपको मैथ्स के नियम के साथ ही चलना है, अपने घर से नियम लेके नहीं आने टिफिन में पैक करके, याद रखना, है ना। कई बच्चे घर से लेके आ जाते हैं और अपने नियम खुद ही बना लेते हैं, तो कई बच्चे कहेंगे कि भैया ये जो है dx, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, और वो देखेंगे ही नहीं, कुछ दिमाग नहीं लाएंगे, क्योंकि उनके पास और इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ये। फिर कुछ बच्चे आएंगे सियाने, वो कहेंगे सर जी ब्रैकेट भी क्यों लगाया, आज तक तो लगाया नहीं, है ना। फिर कुछ बच्चे आएंगे कहेंगे कि सर जी ठीक है, तो कॉस का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, अगर इंटीग्रेशन कर दें तो कॉस का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, फिर अपने साथ ही जोड़ लेंगे वाई, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट चल रही है, एक कॉन्स्टेंट है, एक्स होता है प्लस। बिल्कुल गलत जा रहा है, बिल्कुल गलत, कुछ नहीं करना है इसमें, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन क्योंकि गलत है तो गलत पे गलत करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग में ये नहीं देख रहे हैं कि कॉस का जो एंगल है उससे बाहर कोई वैल्यू कैसे निकल सकती है, ये कोई डिवाइड या मल्टीप्लाई में तो नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो ये गलत कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, याद रखना। हाँ, अगर ये लिखा होता कॉस एक्स और डीवाई ओवर डीएक्स ऐसे, तब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान अपने आप बन जाता, याद रखना। कि अगर ये कॉस एक्स लिखा होता तो मल्टीप्लाई होता, लेकिन कॉस लिखा है इसका मतलब इस कॉस का एंगल ही ये है, कॉस का एंगल ही ये दे रखा है, तो ये बात याद रखिएगा। ये कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो इतना जल्दीबाजी नहीं करना। अब ये एंगल है, इसे को सेपरेट कर नहीं सकते तो क्या करेंगे, सिंपल है, इस कॉस को हम इस राइट साइड में ले जाएंगे। वैसे जनरली तो ये नियम कोई होता नहीं है, आप दोनों तरफ कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई करा सकते हो, है ना। तो राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होता है, डीवाई ओवर डीएक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए हो जाएगा, डीएक्स की हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो डीवाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इनटू में डीएक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, ये कर दिया। अब यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, वन लिखा है तो वन एक कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन वाई होता है। फिर यहां पर इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है, कोई सजेस्ट कर सकता है कि यहां पर इंटीग्रेशन क्या होगा, माइक ऑन करके मुझे बताइए, कॉस इनवर्स ए इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। बिल्कुल खुशी, आपका तो बिल्कुल सही है, और बाकी बच्चे भी समझे कि यहां पर बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, यहां पर जो ये वैल्यू है इसे वो ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स इंटू डीएक्स का होता है क्या, माइनस वन अपॉन क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, इंटीग्रेशन कोई नहीं बता सकता, अच्छा, और डिफरेंशिएशन क्या होता है। हाँ, थैंक यू वेरी मच, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर है, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन है कॉस इनवर्स एक्स का, और इंटीग्रेशन तो इसका होता ही नहीं है, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है, यानी कि वन से मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम इस लॉजिक पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक्स नहीं है, ये एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर है तो उसे हम कॉस के साथ नहीं लिख कर लगा के देंगे, ऐसा नहीं कि कॉस जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है कि वो कुछ भी फंक्शन बन जाएगा, नहीं, वो कांस्टेंट के साथ है तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसी लॉग और ऐसे एक्सपोनेंशियल के साथ भी होता है, बाहर आ जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स ए, अंदर बचेगा वन इंटू में डीएक्स। अब वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा आपके पास क्या, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स ए तो है ही, और साथ में वन का इंटीग्रेशन एक्स रिस्पेक्ट में एक्स प्लस सी। क्वेश्चन मेरा ये है, स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर जब इंटीग्रेशन करने के बाद बाहर संख्या निकालते हैं तो प्लस सी लिखते हैं, आपने बताया, तो आप इधर वाले में तो आप प्लस सी लिख रहे हो, देखो एक्स का करा रहे हो तो प्लस सी लिख रहे हो, लेकिन वाई के साथ ऐसी पार्शियलिटी क्यों हो रही है, कि जब y के साथ भी इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसके साथ भी तो प्लस सी लिख सकते हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा इस बात को, बिल्कुल लिखेंगे, इंटीग्रेशन से जब भी बाहर संख्या निकालते हैं प्लस सी लिखते हैं, तो ये लिखना है। अगर आपने ऐसा किया तो c से c कैंसिल होगा हर बार के नहीं होगा, सिंपली है, ये तो हमेशा कैंसिल होगा। सेकेंड चीज,
मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक्चुअल का जो रूल है, एक्चुअल में जो रूल हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो ये होता है कि जो भी संख्या, ये तो वेरिएबल सेपरेबल तो ये आपके क्लास में आपको छोटा समझ के आपको सिखाया जा रहा है ना, आगे आप धीरे धीरे बढ़ोगे, तो ये वाली संख्या जब बना ली आपने इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dy, देन ये संख्या लेफ्ट में आती है ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ए डीएक्स इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन किया जाता है, पहले हम इसे इक्वेट करते हैं 0 के, देन उसके बाद इंटीग्रेट किया जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस का निशान है, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इनटू एक्स। अब बताइए एक बार सी लगेगा या दो बार सी लगेगा? एक बार लगेगा, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन किया और एक बार सी लगा दिया। तो इसीलिए आपको मैं बता दूं कि कई स्टूडेंट को अगर ये कंफ्यूजन है कि वाई के साथ क्यों नहीं लगाते, तो वाई के साथ मत लगाइएगा, या फिर सिर्फ वाई के साथ लगाइएगा, एक्स के साथ मत लगाइएगा, किसी एक के साथ, क्योंकि दोनों इक्वल है, अगर लगा दोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, और सी तो एक ही बार लिखना है आपको, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, बस ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहती है। ओके नाउ, यहाँ पर क्या था? वाई था, यहाँ पर क्या है? वाई। तो ये आपके सामने क्या आ गया? ये बिल्कुल सिंपल सा आपके सामने आ चुका है, कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस का सी। अभी आपको वैल्यू दे रखी होगी, तो वैल्यू क्या दे रखी है चेक करते हैं। पुट करना है हमें, पुट करना है एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू 1 रखनी है, एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स ए इंटू 0 प्लस सी, एंड ये पूरा 0, तो सी इज इक्वल टू 1। आप इसे उठा के, यहाँ नहीं, इसे उठा के आप यहां रखिए, ओके, पुट इन फर्स्ट, यहां पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहां रखने पे? यह आ जाएगा y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस c की वैल्यू है 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ हमारा? ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है 13। जल्दी जल्दी देखिए, सिर्फ 16 क्वेश्चन तक करने हैं आपको इस एक्सरसाइज में, 17 से क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। 14th क्वेश्चन देखिए, सॉरी 13 हो गया ना, हाँ 14, ये हो जाएगा डी वाई, और मेरे साथ साथ करते भी जाइए, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, अब आपकी बहुत अच्छी, ठीक है ना, और इसमें आप प्रैक्टिस की जरूरत है, समझने की जरूरत नहीं है, जितने प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेहतर है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, करना क्या है? करना बिल्कुल सिंपल सा काम है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो इस वाई को इधर डिवाइड में ले आइए, क्योंकि मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है तो उधर चले जाइए, मल्टीप्लाई में कर दीजिए उसे, तो आ जाएगा आपके पास डी वाई डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू में टी एक्स। आप इंटीग्रेशन इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, डी वाई अपॉन में वाई इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? लॉग वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, लॉग मोड ऑफ सेक एक्स, या फिर माइनस का लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स, कुछ भी लिख सकते हो ना, दोनों में से कोई भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। अभी आपको करना क्या, इंटीग्रेशन तो बड़ा आसानी से हो गया, वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए यहाँ पर, लॉग वाई की वैल्यू 1 और लॉग मोड ऑफ सेक एक्स की जगह 0 प्लस का सी, तो लॉग 1 की वैल्यू तो 0 होती है, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो सेक 0 भी 1, और फिर से आ गया लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू फिर से 0 होगी, तो सी की वैल्यू फाइनली 0 आ गई, जो कि आप उठा के कहाँ रखने वाले हो? यहाँ रखने वाले हो, तो आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ सेक एक्स, और 0 तो मैं लिख ही नहीं रहा, तो लॉग और लॉग दोनों के पास है, तो लॉग से लॉग भी कैंसिल हो गया, तो वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा? सेक एक्स, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, अगर समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से, वो भी क्वेश्चन नंबर 15 और 16, दो क्वेश्चन ही करने हैं बस, इसके बाद क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आज तक ना आए और ना कभी आएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से हट चुके हैं, अगर कोई टीचर करा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, तो याद रखना ये कभी नहीं आएंगे, ये पहले आउट ऑफ कोर्स हो चुके थे, जो स्टेटमेंट को हम मॉडिफाई करके इक्वेशन बनाएंगे और इस इक्वेशन से फिर सॉल्व करेंगे, ये वाले क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं, तो इसे हटा दिया था। 15 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी आपके पास है, कहता है एक इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, आपको ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है, अगर इक्वेशन दे रखी है तभी सॉल्व कर सकते हैं आप, इक्वेशन बनाएंगे नहीं आप, पासिंग पॉइंट भी दे रखा है, पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है? 0 and 0। आपको करना क्या है, आपको यहाँ वाई डैश की जगह लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, उसके बाद आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, उसके बाद आपको यहाँ लिखना है डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स
इनटू में डीएक्स, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन का निशान लगाना है वाई, इसका इंटीग्रेशन वाई होता है, यहाँ पर लगेगा बाय पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये बाय पार्ट की कौन सी टाइप है, बाय पार्ट की ये थर्ड टाइप बताई है मैंने, तो इसे आप बाय पार्ट से नहीं सॉल्व करिएगा, इसे आप क्या करिएगा, इसे आप सिंपली इस वाले क्वेश्चन को सिंपली आप क्या करिएगा आई वन मान लीजिएगा और तभी सॉल्व करिएगा। बाय पार्ट टाइप थर्ड यही कहता है कि आई वन मानो एंड देन सॉल्व करो। I1 क्या है, I1 है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x into dx, आपको क्या करना है I late के अनुसार चलना है, I late के अनुसार पहले आता है आपके पास क्या ट्रिग्नोमेट्री और फिर आता है एक्सपोनेंशियल, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ना, ये पहला दूसरा, तो पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल। फॉर्मूला याद करिए, देखो कितनी अच्छी बात है कि इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर के अंदर आपके सारा इंटीग्रेशन रिवाइज। ओके तो साइन एक्स को हम करेंगे कॉपी इनटू ई की पावर एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स को करेंगे हम डिफरेंशिएट यानी कि कॉस एक्स इनटू सेकंड फंक्शन को फिर से करेंगे इंटीग्रेट ई की पावर एक्स इनटू डीएक्स। दोबारा लगा देते हैं बाय पार्ट, ई की पावर एक्स साइन एक्स मैंने ऐसे लिख लिया, देखो ये तरीके से मैंने लिखा है, फिर माइनस फिर बाय पार्ट लगाइए, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, दोबारा बाय पार्ट लग गया। फर्स्ट फंक्शन जो है मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन जो है आपके सामने ब्रैकेट लगा देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन को करेंगे कॉपी, सेकंड यानी कि e की पावर x का करेंगे बाय इंटीग्रेशन, माइनस का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन ये है इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो माइनस का साइन x होता है ब्रैकेट फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन। ओके देन प्लस सी वन भी लिख सकते हो आप इसमें, तो क्या है आपका इसमें आगे e की पावर x sin x माइनस का, इसका जो माइनस करेंगे माइनस का e की पावर x cos x, उसके बाद माइनस का, और ये संख्या जब देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी और बाहर वाला माइनस भी अंदर जा रहा है तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा sin x इंटू की पावर एक्स इंटू में डी एक्स। अब गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा आई वन आ गया, पूरा का पूरा आई वन वैसा क्या वैसे रिपीट होगा हमेशा, टाइप थर्ड में यही तो कॉन्सेप्ट है, e की पावर x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो आ जाएगा sin x माइनस cos x माइनस इस पूरे की जगह पर आ जाएगा आई वन प्लस सी वन, ये आई वन को लेफ्ट में ले आएंगे तो टू आई वन हो जाएगा, देखो हो गया इंटीग्रेशन। ये बाय पार्ट टाइप थर्ड है और इसके अंदर चार क्वेश्चंस होते हैं और मैंने वो क्वेश्चंस लिखवाए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैंने अपलोड तो कर ही रखा है प्रीवियस क्लासेस सारी, ठीक है ना, आप जरूर उस पे जाके देखेंगे। अगर बाय पार्ट टाइप कोई भी टाइप मैंने बताया ना, इंटीग्रेशन में आपको याद रखना है एक्सरसाइज नंबर 7.1 से लेकर एक्सरसाइज 7.6 आपको करनी है, अगर नहीं करी है तो जाके वो लेक्चर जरूर देख ले। इसी से इस चैप्टर के बारे में अभी तो आ गया और दो एक्सरसाइज बची हैं, उसमें बहुत कठिन हो जाएगा अगर ये एक्सरसाइज आपने नहीं देखी, अभी भी नहीं देखी तो उसे जरूर देख ले। e की पावर x डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट ऑफ sin x माइनस का cos x और प्लस का c1, अब इस पूरी संख्या को पुट करेंगे इन फर्स्ट, अगर मैंने फर्स्ट बनाई होगी तो फर्स्ट, नहीं तो बना देते हैं अभी, ये है फर्स्ट y is equal to i1 plus c, तो y is equal to i1 की वैल्यू तो आपके सामने है e की पावर x अपॉन में 2 ब्रैकेट ऑफ sin x माइनस का cos x प्लस का c1 और प्लस का c, और ये दोनों के c1 प्लस c को मैंने बताया था क्या लिख देते हैं, मॉडिफाई कर दीजिए और एक c बना दीजिए, ये बना दिया मैंने c, अब मुझे यहाँ पर वैल्यू दे रखी है तो पुट करेंगे x is equal to भी 0 and y is equal to भी 0, 0 0 रखने के बाद देखते हैं क्या निकल के आती है वैल्यू, e की पावर 0 अपॉन में 2 ब्रैकेट ऑफ sin 0 एंड माइनस का cos 0, साइन जीरो की वैल्यू आपके सामने जीरो होती है, किसी भी संख्या की पावर जीरो आंसर एक होता है, एक बटे दो ब्रैकेट ऑफ ये हो गया जीरो माइनस का ये होता है वन इज इक्वल टू सी, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वन बाई टू आएगा, आप देखेंगे सी की वैल्यू आपके सामने आ गई और सी की वैल्यू वन बाई टू आ गई, ये सी की वैल्यू उठा के हमें यहाँ रखनी है, इसे आप सेकेंड इक्वेशन भी लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, y is equal to e की पावर x अपॉन में 2 ब्रैकेट ऑफ sin x माइनस cos x और माइनस का सॉरी नॉट माइनस प्लस का 1 बाई 2 इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझसे अभी पूछ ले, और अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप आंसर एनसीईआरटी से मैच करोगे तो क्या दे रखा है, ये आंसर फाइनल है भाई, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, देखो इसमें से एक बटे दो कॉमन ले रखा है,
ये ले लिया 1/2 कॉमन, क्या बचा e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन, फिर 1/2 में से इसकी मल्टीप्लाई करा रखी है 2y e की पावर x ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का वन, फिर इस वन को इधर लेके आ गए हैं। अब ये न कहा है ये फाइनल आंसर है, तो याद रखना ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने ये यहां तक आंसर एनसीईआरटी में लिख रहा तो एनसीईआरटी भगवान है और उसी को बस मानेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी एक मेरे जैसे टीचर ने ही बनाया है, उनके सॉल्यूशन भी मेरे जैसे टीचर्स ही करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। बोर्ड के जो व्यक्ति होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो भी मेरे जैसे ही होते हैं, वो भी पढ़ते ही हमारे जैसे, तो उन्होंने उस समय अपने लॉजिक के साथ यहाँ आंसर दे दिया। इसका कोई लॉजिक नहीं है, जितनी स्टडी मैंने की है उसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि यहाँ आंसर छोड़ना है। हाँ यहाँ आंसर छोड़ना है क्योंकि एक स्टूडेंट के तौर पर अगर मैं देखूंगा तो मैं तो यही छोड़ूंगा ना, इससे आगे से मैं क्यों करूंगा कॉमन लेके, जब आगे हो नहीं रहा। अगर लॉग लिखा होता तो मैं प्रॉपर्टी लगा भी सकता था, क्यों लगाऊ मैं आगे, तो आपकी मर्जी है, आप यहां भी छोड़ सकते हो और आपका मन कर रहा है तो आप आगे जाके यहां तक कर सकते हो। एनसीईआरटी के आंसर्स को आप मैच करो, बिल्कुल करो जब प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब पेपर की बात आए तो टेंशन मत लेना कि आंसर्स नहीं आ रहे, आंसर सबके आते हैं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आगे चलना पड़ता है, किसी किसी पीछे रह जाना पड़ता है जैसे पिछले क्वेश्चन में था। मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आज की क्लास का और एक्सरसाइज 9.4 का, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, जिसमें ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है उसे मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं कह सकता, याद रखना वो सारे क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट पढ़ के आपको सॉल्व करना है वो वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पहले ही नहीं आते थे, ये नहीं कि इस साल हटाए, ये पहले ही नहीं आते थे 12th में, क्योंकि ये फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं। वाई मेरे पास है, देन डी वाई मेरे पास है, देन यहां से वाई में लेके आ जाऊंगा बटे में, वाई प्लस टू इज इक्वल टू यहां पर है एक्स प्लस टू पहले से बैठा हुआ है, डीएक्स को मैं उधर लेके जाऊंगा तो इंटू में डीएक्स हो जाएगा, डिवाइड में मैं एक्स को लेके आऊंगा तो ये एक्स आ गया। इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहां पर तो सेपरेट हो सकता है राइट साइड में तो बहुत आसान है, लेकिन लेफ्ट में सेपरेट नहीं हो सकता, कोई बात नहीं सेपरेट नहीं हो सकता तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता वाई प्लस टू माइनस टू। अब सेपरेट कर लेते हैं भाई, मैथ्स का नियम है आप कोई भी संख्या जोड़ सकते हो और कोई भी संख्या घटा सकते हो, यहां तो मैं सेपरेट करूंगा प्लस टू अपॉन एक्स इंटू में डीएक्स। अभी आप सेपरेट करोगे यहां पर भी, कैसे सेपरेट करोगे, ये है वाई प्लस टू इसके अपॉन में लिख दीजिए और इसके अपॉन में लिख दीजिए, तो वाई प्लस टू के अपॉन में लिखेंगे तो वाई प्लस टू अपॉन में वाई प्लस टू, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए, ये हो जाएगा आपके आपके पास, चलो भाई इसे हटाओ इसे भी हटाओ, माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 2 ब्रैकेट लगाइए इंटू में डी वाई लिखिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस का 2 अपॉन में x इंटू में dx, ये इससे कैंसिल हो गया 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन होता है y माइनस का, यहां पर इसका इंटीग्रेशन होता है log 2 log y प्लस 2 एंड देन इज इक्वल टू, यहां 1 का इंटीग्रेशन होता है x और यहां पर इसका इंटीग्रेशन होता है 2 log x प्लस c, सी मैं एक तरफ लगा रहा हूं और मैं एक्स की तरफ ही लगाता हूं, वाई को हमेशा मैं लेफ्ट में रखता हूं, ठीक है ना, इससे आपके एनसीईआरटी के आंसर्स मैच करने में आसानी आपको होगी, अदरवाइज मैं तो कैसे भी आंसर मैच कर सकता हूं। इन्हें दो वैल्यूज दे रखी है, यानी कि इन्हें एक पॉइंट की वैल्यू दे रखी है ऐसे करके, वन और माइनस वन, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप देख भी रहे होंगे है ना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, उसके बाद आप वैल्यू रखेंगे तो माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा टू लॉग मोड ऑफ वाई की जगह पर माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू एक्स की जगह वन प्लस का टू लॉग एक्स की जगह पर वन प्लस का सी। नाउ माइनस, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन माइनस का टू, इसे घटाएंगे तो वन आएगा, याद रखना लॉग में कभी भी यहां पर नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर होगा तो ये मॉडुलस इसे पॉजिटिव बना देगा, तो बन जाएगा यहाँ पर लॉग वन इज इक्वल टू वन प्लस का 2 log 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया है ना, तो हो जाएगा माइनस वन, ये उठा के इधर आ जाएगा तो माइनस वन इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू माइनस का 2 आ गई है जो कि उठा के मैं कहाँ रखने वाला हूँ, यहाँ रखने वाला हूँ। ओके तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, जब मैं इसे रखूंगा तो वाई माइनस का 2 वाई माइनस का 2 log और उसके बाद आ जाएगा आपके पास क्या वाई प्लस 2 देन इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लॉग सी लॉग एक्स प्लस टू लॉग एक्स माइनस का टू,
ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या इसमें से y की वैल्यू निकाली जा सकती है? सीधी सीधी y की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है? बिल्कुल ही निकाली जा सकती है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप y की वैल्यू निकालने जाओगे तो आप नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप इसे यहां भी छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं आप यहां नहीं छोड़ सकते। या फिर आप करो ऐसे कि लॉग को एक तरफ ले जाते हैं और बिना लॉग वाली संख्याएं ये सारी संख्याएं एक तरफ ले आते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ये मैंने बिना लॉग वाली ले गया और यहां पर 2 log x पहले से ही था, प्लस का 2 log y प्लस 2 हो गया, है ना। आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, या फिर पावर में भी ले जा सकते हो। पावर में ले जाओ ज्यादा बेहतर है, कॉमन लेके भी पावर बाद में होगी, तो आप पावर में ले जाओ, मतलब जो भी आप चाहो कर सकते हैं इसमें से। ये पावर में चला जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास? फाइनली हो जाएगा log x का स्क्वायर प्लस का log y प्लस 2 का स्क्वायर, एंड देन log की प्रॉपर्टी log मोड ऑफ x स्क्वायर इंटू में y प्लस 2 का होल स्क्वायर। बस ये यहां तक फाइनल आंसर है, इससे आगे आप इसे नहीं कर पाओगे। अगर चाहो तो यहां तक कर सकते हो, मेरी तरफ से यहां भी आंसर फाइनल है, लेकिन एनसीईआरटी में ये आंसर दे रखा है। और आप चाहोगे कि एनसीईआरटी से आंसर यहां तो मैच करें। 16 तक क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, 17 से लेकर 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना, ये क्वेश्चंस याद रखना। इसमें ऑलरेडी आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपको इक्वेशंस बनानी है। ओके, ये देखो मैं आपको बता देता हूं जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, देखने में आपको लग रहे हैं, ये देखो मैंने कट भी लगा रखा है, पहले ही नहीं आते थे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ये वो स्टूडेंट करेंगे जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, गिवन दैट एनी पॉइंट ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी कि यहां पर आपको एक डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशंस ऑलरेडी दे रखी है विद दिस स्टेटमेंट, और ये वाली स्टेटमेंट आपको नहीं सिखाई जाती क्योंकि कॉमर्स की क्लास में ये फिजिक्स का कंटेंट नहीं है, फिजिक्स का कंटेंट है ये सारा का सारा। 19 क्वेश्चन देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, ये हालांकि कॉमर्स का है लेकिन हायर लेवल का है, ये तो ग्रेजुएशन में भी नहीं है, याद रखना ये टॉपिक तो ग्रेजुएशन में भी नहीं है ये वाला। ये हम पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, मैंने इसे पढ़ाया है, वहां पर अगर आप जाते हो तो आप जरूर करोगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स, या मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में कर सकते हो ना। कौन सा वाला टॉपिक? या बीकॉम ऑनर्स? नहीं, बीकॉम ऑनर्स में भी नहीं है, ठीक है ना। कौन सा? ये वाला, जबकि रखा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली दिस, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर डबल टू इटसेल्फ, ठीक है ना। ये बीकॉम ऑनर्स में पिछले कोर्स में होता था, अब तो इस साल से, अब मतलब कुछ कोर्सेज में इसमें वो भी नहीं। देन ये क्या कर रहा था, 12th में डाल दिया था बट उसके बाद से ही हटा दिया, किसी बच्चे ने ना पढ़ा है ना वो करते। अगर आपके टीचर ने कराया तो मुझे बता देना, मैं इसे सॉल्व करा दूंगा आपको, 6 क्वेश्चन से कर लेंगे, अदरवाइज की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं यहीं पर इसका जवाब बता देता हूं क्या है। dy ओवर में dx इज इक्वल टू, गुणा में पावर जुड़ती है, e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकते हैं, सेपरेट हो चुका है, बाकी आप खुद कर लेंगे। e की पावर y इधर, e की पावर x इंटू dx इधर, इसे ऊपर लेके आइए तो हो जाएगा e की पावर -y इंटू dy, इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, चारों में से कोई एक ऑप्शन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्लास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम।